गोप्रो नहीं चल रहा है यहाँ पर आने के बाद। जोर से चिल्लाओ, रे 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 रे, आराम से आराम से आराम। ओ क्या ब्यूटीफुल नजारा है, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है वो देखो। मैं एक चीज दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरे आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ। ये हम कहाँ आ गए, हम तू ही साथ साथ चलते। ये देखो भाई साहब, हिडन 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 जेम, हिडन जगह, एकदम हिडन। ये लेक शायद से आपको पता नहीं होगा कहाँ पर है, पर बहुत ही खतरनाक औसम जगह पे आए हैं हम लोग भाई। भाई साहब खतरनाक, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। अच्छा कुछ ग्रुप भी आया है वहाँ पर, है कुछ ग्रुप, क्या बात है। पानी एकदम क्लियर है, मज़ेदार। तो क्या करूँ अभिषेक, जगह का नाम रिवील कर दूँ क्या अभी? जगह का नाम रिवील कर दूँ अभी? कर दे कर दे। तो भाई अगर जगह का नाम जानना चाहते हो तो आप गूगल मैप पर डाल सकते हो वांद्रे लेक, जो विरार से कुछ किलोमीटर आगे है, एक जंगल के अंदर है। वांद्रे लेक ना, क्या वांद्रे लेक, वांद्री लेक, बहुत ही अच्छी जगह है। पर जहाँ पे हम लोग रुके ना, यहाँ पे लेक है, और जहाँ पे मुझे मैप दिखा रहा था ऊपर से रास्ता गया है वहाँ डैम के लिए, बोलते ना एक पावना लेक का छोटा भाई है ये। पावना लेक बड़ा है, ये छोटा है, और बाकी खूबसूरत है, एक नंबर जगह है। देख लो भाई देख लो, अभी देख लो, फिर बाद में बोलना नहीं शायद इतना दूर आया और दिखाया नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया। पानी के करीब जाना तो पानी के करीब भी ले जाता हूँ, उसका पैसा नहीं लेता हूँ मैं, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दो उतना ही काफ़ी मेरे लिए। ये देखो, ओहो हो हो, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ, दिखाता एक पहली चीज, आ जाओ। ये है हमारा गोप्रो, यहाँ पर एक 250 टाइम लैप्स निकाल रहा हूँ आपके लिए। ये टाइम लैप्स देखिए, बगैर जाना नहीं, ये एंड में डालूंगा टाइम लैप्स, वीडियो के एंड में। ये इस तरह से सेटिंग किया है कुछ, इतना कवर हो जाएगा अच्छा खासा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और जो कैमरा मैन है उसका नाम है विनायक, आप तो उनको जानते होंगे, हमारे हर वीडियो में रहते हैं अक्सर वो। इसके बाद में एक और धांसू चीज़ दिखाऊंगा, वो यहाँ से होने के बाद चलेंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा आराम करते हैं। और एक और अहम चीज़ फिर से एक बार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, भीगते भागते आए यहाँ पे। बाकी सब बढ़िया है, फील द नेचर। गोप्रो में आ गई है खराबी, गोप्रो ने हमको दे दिया है धोखा। सब सह सकता हूँ, गोप्रो के साथ में दगाबाजी नहीं, बहुत पैसा खर्च किया और यहाँ पर आके खराब हुआ गोप्रो। बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे साथ, रो रो के बोलना पड़ रहा है। गोप्रो नहीं चल रहा है यहाँ पर आने के बाद, आँख में कुछ कह रहे मेरा गोप्रो बंद हो गया पता नहीं क्यों, इसलिए अभी फ़ोन के कैमरा से शूट कर रहा हूँ। गोप्रो भाई बहुत खर्चा किया है, प्लीज़ चालू हो जा, अच्छे से चालू हो जा। थोड़ी देर के लिए उसको बंद करके बैग में डाल दिया है, होपफुली आधे घंटे के बाद अगर ट्राई करूंगा तो चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे की बहुत सारी चीज़ें जो कैमरे के फोटो व्लॉग नहीं यार, बहुत महंगा जाएगी, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अभी एक और लेना पड़ेगा, टाइम आ गया, अभी देखता हूँ कुछ 4-5 हज़ार रुपये का मिल रहा रहेगा तो ले लेता हूँ। ले ले डीजे ओस्मो, सही में ये गोप्रो है ना, मतलब वर्थ नहीं है। नहीं डीजे ओस्मो ले ले, डीजे ओस्मो लेता हूँ अभी, देखो क्या करता हूँ मैं, देखो अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो भाई ट्राई करते एक बार, गोप्रो कब तक साथ देगा, देखते कब तक साथ देगा ये हमारा कैमरा गोप्रो। चलो दास्तान हमारी बहुत आज की बुरी हुई है, हमारे साथ में बहुत बुरा हुआ, अफसोस रहेगा इस चीज़ का गोप्रो वालों के साथ में, इन्होंने इतना रिलायबिलिटी नहीं रखा है गोप्रो के साथ में। ओहो विनायक भाई, वाटर क्रॉसिंग सेटलिंग करते हुए
ओहो, चलो आगे आगे चलो, दोनों भी सेटलिंग करेंगे, हम तुम्हारे पीछे सेटलिंग करते रहेंगे। रे रे गिरिया नकू, क्या बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स आ रहे, बहुत बढ़िया भिड़ू लाल, एक नंबर, चलते रहे। फिर से एक बार सेटलिंग, गाड़ी चला के बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्त, सेटलिंग भी एक नंबर हो गई, एक्सीलेंट। बस गोप्रो साथ देते रहना चाहिए, ऐसी गोप्रो का साथ छूट गया तो कनेक्शन टूट गया। नेशनल पार्क याद आया, टाइगर सफारी याद आई। चलो भगाओ, बाकी गोप्रो मेरा फिर से चालू तो हो गया है, अब पता नहीं कब तक चालू रहेगा। यहाँ पर एक सुसू ब्रेक लिया था विनायक ने, सुसू सब जाने चाहिए व्लॉग के अंदर, रियलिटी व्लॉग। थोड़ा आगे चलते फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है। और हम लोग को जाना है एकदम, एक नया पॉइंट दिखा रहा था यहाँ पे, कैंपिंग पॉइंट पर वो दिखा नहीं, मैं अपने आगे लेके आया, देखते वापस यू टर्न मार के क्या मिलता है। सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि हमने डैम को पीछे छोड़ाए हैं, तो पीछे जाते हैं वापस से और डैम को देखते हैं, क्योंकि लेक तो देख लिया, अब डैम भी देख लेंगे, इतना दूर आए हैं तो फिर क्या मतलब, ये तो फिर क्या। गोप्रो ने बीच में प्रॉब्लम दिया, बट चल रहे चलने, तो जब तक चल रहे, थैंक यू गोप्रो चलने के लिए, साथ देने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, देख के आते हैं, सेटलिंग आओ फिर करें सेटलिंग। राइट में एक टर्न है, संभाल के मर्ड है स्लीपर का गाड़ी, आराम से, बहुत ही खतरनाक रोड है भैया जी, आराम से चलते रहो। बारिश आली, मेरा जैकेट दे, विनोक जैकेट, बारिश आ गई। जैकेट पहनने दे भाई, यहाँ तो डेड एंड है, लाओ जैकेट पहन लेते जब तक। रास्ते खराब, रे 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 रे, आराम से, मटे, आराम से, केयरफुल, चल। अरे मैं भी गया, पट्टे गाड़ी स्लिप हो रही है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक है रे भैया जी, ऑफ रोडिंग हो गई, एक नंबर ऑफ रोडिंग हो गई आज। ए तेरी बेइज्जती, ऑफ रोडिंग एक नंबर हो गई। बहुत मजा आई भैया, बहुत, पैसा वसूल राइड है, अच्छा नहीं लगा तो पैसा वापस। जितने भी राइडर्स हैं जल्दी यहाँ पर आ जाओ, अपना बोरिया बिस्तर बांध के, यहाँ से कुछ अलग ही व्यू हो। हाँ चलो,
यहाँ से उतरता हूँ ना, आगे मिलता हूँ। यहाँ से निकल के आगे निकलते, आ जा। अरे वही रास्ता है, मेन रोड है। अरे मेन रोड आओ ना। ओ क्या ब्यूटीफुल नजारा है। हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है वो देखो गाइस, बाजू में लेके, और हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। बहुत ही मज़ेदार। एडवेंचर, इस राइड में एडवेंचर से भरा सब कुछ है। This ride is full of adventure. Adventure की कमी नहीं रही इस राइड में। ऑफ रोडिंग पैच और माउंटेन सारा कुछ मिल गया एक ही में। भाई ये गांव है, इतना ब्यूटी से नेचर से भरा हुआ है ना, नो पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है, एकदम बोले तो एकदम क्लीन। ग्रीनरी भर भर के है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। और किसी को भी आना है ना गाइस, किसी को भी आना है तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आ जाए। जो वेस्टर्न साइड में आना चाहता है वो यहाँ पर आ जाए, टूवर्ड्स विरार की तरफ आइए। कोई देख रहा है वन डे शॉर्ट राइड या लॉन्ग राइड देखना चाह रहा है ना तो आ जाए। यहाँ से ये यहाँ पर एक गांव है, यहाँ से हमने राइट ले लिया डैम पे जाने के लिए। तो निशाना कैसे बताऊँ, यहाँ पर आपको एक बंगलो दिख जाएगा लेफ्ट साइड में। दिल थाम कर बैठना दोस्त, कुछ तो खतरनाक दिखने वाला है। रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच है, खड़बुड़ा रास्ता है, पर असली मज़ा तो मंजिल का नहीं रास्तों का होता है, जैसे कि मैं हर बार कहता रहता हूँ इसी चीज़ को, रास्तों का मज़ा लो। आई थिंक डैम आ गया है, डैम डैम डैम। ओहो आ गए हम डैम पे। कड़क इस तरफ तो कुछ नहीं है, राइट साइड में कड़क व्यू है। ओहो पटांग यार जबरदस्त, फाइनली पहुंच गए भाई डैम पे। फाइनली डैम पर पहुंच गई है हमारी प्लैटिना 1250 cc। हाँ हम लोगों की गाड़ी तीनों की, और ये रास्ता जाएगा वाटरफॉल के लिए। आगे वाटरफॉल भी है, डैम यही डैम है और आगे वाटरफॉल है। चलते यहाँ से ऊपर की तरफ। अबे कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते यार, टेढ़े मेढ़े रास्ते भाई, स्लिप होएगा संभाल के। ऑफ रोड करते हैं। ओए अम्मा जैसे अपन आता है ना, चलो वहाँ पर पूरा सनसेट मतलब पूरा क्लाउड आ चुका है। ओह रास्ते तो देखो, वेट। ओहो पतले पतले रास्ते से जा रहे, पतले पतले। Look at the view guys, वो रहा सामने डैम, बरसता हुआ गरजता हुआ। वहां सामने खड़ी है गाड़ी हमारी।
छोटे बच्चे लोग को नहाते वक्त निकाल रहा। अरे बच्चे लोग को नहाते वक्त नहीं दिखा रहा, गांव की लाइफ दिखा रहा हूँ, कैसे लोग रहते हैं यार। सच में भले हम लोग शहरों में रहते छोटे छोटे जगह पर इन लोग कितने फिट रहते। देखो देखो कैसे पानी मर जाए, उड़िया मार मार के खेल रहे लोग। देखो क्लाउड देखो गाइस, काला बादल, दूध सागर में आ गए। अरे माँ की क्या जंप ले रहे भाई लोग, धपा धप। ए छोटू रुक, वापस जंप मार, वापस जंप मार। ये रहा असली नेचर का मजा, वांद्री डैम। जाते हम ऊपर और देखते हैं क्या है। अरे नीचे से जाना है, नीचे जाएंगे यहाँ पे। बस अब एक व्यू दिखाऊंगा मेरे को, मैं एक व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को मेरे आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एक नंबर। रहीम तो गाइस यहाँ को करते हैं अलविदा। वांद्री डैम, वांद्री लेक हो गया, बहुत सारा इंजॉय किया। तो बाकी तो एक नंबर मज़ा ही भाई, क्या बताऊँ। अगर किसी को आना है ना फुल्ली सजेस्ट करूँगा, आना है तो आ जाओ, सोचो मत। सैडलिंग शुरू, एक और बार सैडलिंग। यहाँ पे बच्चे लोग मच्छी पकड़ रहे ले बाबा, मच्छी मच्छी पकड़ रहे, वहां से पकड़ देगा। तब शाहिद ऊपर चढ़, तू कर सकता है शाहिद। तो आ गए भैया हम मेन रोड पर, इस गांव को भी करना है अभी अलविदा। हो भाई नेक्स्ट लेवल भैया जी। कैसा है ना, आदमी जाना कहीं और चाहता है पर जा कहीं और चले जाता है। हमारे दिमाग में ज़रा भी नहीं था कि हम लोग कल यहाँ पर आने वाले हैं औरा का, जैसे कि बताया आपको औरा का प्लान था, प्लान अभिषेक ने बताया यहाँ पर आना है। तो अभिषेक जी का बहुत बड़ा शुक्रिया हमको इतनी सुंदर जगह पे लेके आने के लिए। ऐसी जगह पे आना ही चाहिए हर महीने में एक या दो बार, स्ट्रेस फ्री होने के लिए। अगर जो जॉब कर रहा है उसके लिए तो जरूरी है कि यहाँ पर आए। और ये देखो भाई,
आ रहे यार। बाकी सब बढ़िया है भाई, ऐसे रास्ते ऐसे नज़ारे अगर हर महीने में दूसरा बार देखने मिले तो क्या बात है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ये रास्ता सीधा ले जाएगा हमको हमारे घर की तरफ। वसई गिरी क्रॉस करने के बाद रुकेंगे, फिर वहाँ से मैप लगाऊंगा मैं भैंडर जाने के लिए। उसके पहले पेट्रोल पंप दिखेगा तो रुका के पेट्रोल भरा लेते, एचपी का ना। ठीक है, गाइस अभी टाइम हो गए हैं पूरे 2 बजे। मेरा भैंडर रोड पर है हम लोग। अभी एक गैजेट वर्ल्ड करके पीछे शॉप है, यहाँ पर गोप्रो के सारे एक्सेसरीज वगैरह मिलते हैं। मुझे गोप्रो के लिए मीडिया मोड वगैरह और एक माइक का सेटअप लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वहाँ से डायरेक्ट हम लोग राइड करते हुए यहाँ पहुँचे। देखे तो यहाँ पर दुकान बंद थी। भैया जी को फ़ोन लगाया, भैया जी बोल रहे बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, यहाँ पर सामान लेके फिर निकलेंगे और ब्लॉग को थोड़ा जल्दी निपटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है। तो सेकेंड पार्ट होगा माइक भी, देखते कभी आते हैं भैया। यहाँ देखो 200 रुपये की नोट सुखा रहे हैं, पूरा गीला हो गया है। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग को आज, मतलब इतना टाइम तो हम लोग कभी राइड से आते तो इतना टाइम नहीं होता। 2 बजे यहाँ पर आए थे, 3:15 हो रहा है अभी। 1.5 घंटा यहाँ चला गया हमारा। मीडिया मोड ले लिया गोप्रो के लिए, माइक ले लिया, एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड ले लिया। गोप्रो ने आज जितना परेशान किया है ना, उस परेशानी को दूर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें ली गई है। अगर अब भूख लगी है, जाते पहले जल्द से जल्द कुछ खा लेते हैं यार, अभी बदन में ताकत नहीं बची, ख़त्म। गाइस हो गया है टाइम अलविदा कहने का, टाइम हो रहा है 4:15, टाइम हो रहा है 4:15। यहाँ पर सब हड़स ली है हम लोगों ने, राइस चिली जो कुछ खाना था खा लिया। अभी मतलब हिम्मत नहीं है और ज़्यादा बात करने की, इसलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।